हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग। भाई आज मैं आ गया हूँ आपको राजीव चौक के सेंट्रल पार्क को दिखाने के लिए। सेंट्रल पार्क कहते हैं इसे, सेंट्रल पार्क राजीव चौक यानी कनॉट प्लेस। आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से उतर के आ सकते हैं, यहाँ पे किसी भी गेट से उतरिए, हर तरफ आपको गेट मिल जाएगा, एंट्री गेट। तो चलिए आज मैं आपको घुमाता हूँ सेंट्रल पार्क और यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। 9 और 10 तारीख को यहाँ पे स्पेशल फेस्टिवल भी चल रहा है, 9 और 10 मार्च को, तो इस बीच भी आप आ सकते हैं अगर वीडियो को देख रहे हैं। बाकी इसके बाद भी देख रहे हैं तो आप घूमने आ सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से खुल चुका है अपना ये सेंट्रल पार्क। देखिए पीछे दिल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं पूरे पार्क में देखने को मिलने वाली है। तो आज ही इसका उद्घाटन हुआ है, एकदम लेटेस्ट वीडियो है। तो भैया दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी जल्दी, और अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी आने की तैयारी कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग को। तो भैया ये राजीव चौक की पार्किंग है, यहाँ पे 10 रुपये बाइक की पार्किंग के लगते हैं और शायद 30 रुपये कार पार्किंग के हैं पर घंटे के हिसाब से। जितने घंटे हो जाएंगे उतना पैसा लगेगा। और सामने एक तिरंगा झंडा लहराता है बड़ा सा, ये तो सभी नहीं देखा होगा क्योंकि अगर दिल्ली आप आए हो तो राजीव चौक जरूर ही आए होगे। तो अभी चलता हूँ, आज पार्क की ओपनिंग है बड़े लंबे टाइम के बाद और ये 9 और 10 तारीख को, ये 10 मार्च तक चलने वाला है, 9-10 दो दिन के लिए ही। स्पेशली फ्लावर्स जो देखने को मिलेंगे और स्पेशल जो थोड़ा बहुत सजाया गया होगा स्पेशली, ये दो दिन का होगा। बाकी आप इसके बाद से परमानेंट कभी भी घूमने आ सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, काफ़ी बढ़िया रिनोवेशन किया गया है, बहुत अच्छा पैसा लगाया गया इस पर। भैया मेट्रो स्टेशन तो राजीव चौक का ही है, जब राजीव चौक है तो ये यहाँ पे अभी मैं 6 नंबर से निकल के आया हूँ बाहर और चलते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पार्क की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ कि सर्दियों में सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक यहाँ आ सकते हैं और गर्मियों में सुबह 6 बजे से ही आ सकते हैं और रात को 8 बजे तक चलता है। और वीकली मंडे को क्लोज होता है ये। बाकी यहाँ पर पार्क की जो कुछ भी पॉलिसी है, नियम कानून है, वो सब लिखा हुआ देख लेना आप। ये सामने ही पालिका बाजार है, यहाँ पे पालिका बाजार अंडरग्राउंड मार्केट होती है, ये भी आप घूमने आ सकते हैं जब यहाँ पे आ रहे हैं तो। काफ़ी अच्छी शॉपिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं लोग और बाहर कुछ ना कुछ मीडिया वाले लगे ही रहते हैं हमेशा थोड़ी बहुत। साइड में भी फिलहाल मैं घूम रहा हूँ, देखते हैं कौन से गेट से एंट्री होती है। बहुत सारे गेट हैं, कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो भैया दिल्ली के LG साहब भी यहाँ अंदर आए हुए हैं, अभी ओपनिंग जस्ट हो ही रही है, कह रहे हैं कि 10-15 मिनट बाद आप लोग आना उनके जाने के बाद। नॉर्मली अभी घुसने नहीं दे रहे हैं पब्लिक को। 11 बजे से आज की एंट्री है, 9 तारीख को और 10 तारीख को, तो 9-10 दोनों ही दिन पब्लिक यहाँ पे घूम सकती है शाम तक 8 बजे तक। ये देखो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या होते हैं, LG साहब वो जा रहे हैं अब, यहाँ से इनकी विदाई हो रही है, इसके बाद अब हम एंट्री करेंगे यहाँ से। मस्त वाला है माहौल बना हुआ है, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ लग गई हैं। देख मुझे भी देख लेने दो यार, ये गए। अब यहाँ पे उद्घाटन हो चुका है और चलने वाले बस थोड़ी देर के अंदर, अब हम भी अंदर चलेंगे। देखो भाई एंट्री करते यहाँ पे सामने एक दिया बनाया गया है, NDMC लिखा हुआ है उसके ऊपर, और ये इतना बड़ा बाज या गिद्ध बनाया गया है बहुत बड़ा सा, ये भी फूल का बना हुआ है और बहुत सारे फूल और फ्लावर्स देखने को मिलने वाले, बहुत सुंदर है, बहुत लंबे टाइम के बाद ये खुला हुआ है। तो अभी आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और 10 मार्च को स्पेशली यहाँ की ब्यूटी देखने आप आ सकते हैं, और बाकी तो फुल टाइम अब ओपन रहेगा तो आप कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। देखो मस्त वाले फूल लगे हुए हैं ना ये, और देखो कितना बढ़िया सजाया गया यार। ये तो दिल्ली का सबसे ब्यूटीफुल पार्क होने वाला है, सबसे ज़्यादा फ्लावर्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं आपको, और कंप्लीट ब्यूटीफुल है। मतलब कुछ कुछ पार्कों में कई जगह छोड़ दी जाती हैं मगर यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये दिल्ली का सेंटर है, राजीव चौक है, और यहाँ की बात ही कुछ और है भाई। यहाँ पर पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। वो आगे बहुत कुछ बना हुआ है, फूलों का वो जिराफ टाइप बना हुआ है। देखो यहाँ पर शावर भी, ये क्या कहते हैं इसको, फुहारे भी चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो पूरा मैं चल के दिखाता हूँ, बीच में झंडा लगा हुआ है वो तो देखा ही होगा आपने। यहाँ पे जो LG साहब आए हुए थे वो यहीं पे फंक्शन चल रहा था, काफ़ी अच्छा सजाया गया है इस पार्क को भी, इस जगह को भी। मतलब ये सेंटर है जहाँ पे ऑडिटोरियम वाला एरिया बनाया गया है, जो कोई फंक्शन वगैरह होता है अगर दिल्ली के सेंटर में तो यहीं पर होता है वो सारा का सारा। ये देख लो ये, और ये देखो यहाँ पर कैसा प्यारा सा सजाया गया है, ज़बरदस्त लग रहा है। तो भाई इधर देखते हैं, ओ भाई नंदी बैल बनाया गया है, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है ना फूलों का, भाई गजब लग रहा है। ये आ चुके हैं दूसरी तरफ और यहाँ पे देखो ये घाटी बनी हुई है, चल के ये दिखाता हूँ थोड़ा पास से, बढ़िया लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है। ये इस तरफ देखो, वाह फूलों की घाटी, एकदम कश्मीर आ गए ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप बताना, बहुत सुंदर लग रहा है। दिल्ली के सेंटर राजीव चौक में आप भी आके घूम सकते हैं भाई, बहुत ब्यूटीफुल बना दिया गया इसे अब। ये देखो यहाँ पर मोर बनाया गया है, मोर बहुत प्यारा लग रहा है भाई, गजब। देखो भाई ये देखो अब शेर कैसा लग रहा है, यहाँ पे शेर भी बनाया गया एक फूल का, गजब।
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। अभी फूलों का मेला आप कनॉट प्लेस के अंदर घूम के देख सकते हैं, बढ़िया वाला मेला लगा हुआ है। ये देखो भाई, और देखो उधर, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला देखो, फूलों का पहाड़, गजब मज़ा आ रहा है देख के। देखो भाई यहाँ पे हंस के जोड़े ये देखने को मिलेगा, पूरा फूलों से बनाया गया है। और इस तरफ और भी दिखाता हूँ आपको, ये क्या बनाया गया है भाई, ये हिरन जैसा कुछ लग रहा है। ये जो भी है बहुत सुंदर लग रहा है ये भाई, गजब। इधर ये फूलों का पहाड़ ये भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बहुत सही लग रहा है, सुंदर, ब्यूटीफुल, अद्भुत, मज़ा आ रहा है। बस देखते ही बनेगा, आपको आना चाहिए पूरी फैमिली के साथ। इधर आइए और सेंट्रल पार्क में इंजॉय करिए भाई। ये देखो जिराफ के पास आ चुका हूँ, इसे तो घेराबंदी करके अंदर रखा गया थोड़ा सा। ये देखो फूल, ये देखो बटरफ्लाई बनाई गई है, बहुत सुंदर लग रही है बटरफ्लाई भी। और इसके पीछे भी फाउंटेन चल रहा है, वो चल के दिखाता हूँ, सुंदर सा फाउंटेन। और ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बनाए गए हैं, ये भी कुछ अलग लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं भाई। तो ये भाई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कोई स्टोरी टाइप यहाँ पे बनाई गई है फूलों से ही। और बाकी यहाँ पे घर वर देखो, ये एंट्री की ड्रोन शॉट देख लो आप, ये भाई ऐसे कई सारे बनाए गए हैं। देखो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये झांकियाँ टाइप बनाई गई हैं, इनमें पेड़ों का बहुत इस्तेमाल किया गया है, पौधों का, और पौधों से बनाया गया, काफ़ी टाइम लगा हुआ है इसे बनाने में, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब भी देख सकते हैं आप, ये देखो नगर निगम नगर पालिका परिषद, ये भी ऐसा कुछ बनाया गया है। ये देखो ये भी कहीं का बनाया गया है, फाउंटेन वाला एरिया, पार्क वाला, और बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये देखो पूरा ड्रोन शॉट लग रहा होगा आपके लिए तो। और ऐसे बहुत सारे बनाए गए थे एक लाइन से, देखो यहाँ पे एक लाइन से लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ये फोटोज खींच रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो ये काफ़ी ब्यूटीफुल से तीन दिल बनाए गए हैं, यहाँ पे लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, आप भी आके खिंचवा सकते हो, बहुत सही लग रहा है, मस्त जगह एकदम। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉप्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। बाकी एक ब्रिज है काफ़ी कलरफुल था, और इसके साथ में ये पूरा पानी का फुहारा वाला एरिया है, मस्त यहाँ पे फुहारा देख सकते हैं। फुहारे की टाइमिंग यहाँ पे दी गई है, ये देखो यहाँ पे फुहारे की टाइमिंग है, सर्दियों में आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे से शाम 11 से 12 के बीच, और शाम को 6:30 से 8 के बीच। तो भैया यहाँ पे प्रोजेक्ट नेचर करके एक सेव अर्थ करके यहाँ पे बनाया गया, एक वॉल बनाई गई, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखो, और देखो बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं, थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ख़त्म ही नहीं होगा ये जब तक मैं घुमाता रहूँ आपको। उधर लोग फुहारे का इंजॉय कर रहे हैं, और इधर क्या लगा हुआ है, जय श्री राम का एक बोर्ड लगा हुआ है, और इधर भी काफ़ी स्वास्थ्य वगैरह बना हुआ है, सुंदर सुंदर सा। पूरे में ऐसे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे फूल फ्लावर, मतलब फूलों से बनी हुई चीज़ें, तो लोग यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं। देखो ये बना हुआ है भाई, यहाँ शायद पूजा हुई थी क्या, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है, नहीं 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 ऐसा बनाया गया बस, बहुत सुंदर है। ये देखो इधर, और इस तरफ भी काफ़ी सारे फूल हैं, मस्त बनाया गया पूरा, ये गमले रख के ऐसा बनाया गया है कुछ। यहाँ पे छोटा सा एक ऐसे प्रदर्शनी लगी हुई, प्रदर्शनी में आपको ये कैक्टस के काफ़ी सारे प्रजाति दिखाए गए हैं। और इस तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कैक्टस बहुत सारे कैक्टस के प्रजाति हैं। ये देखो ओबे 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 कांटा चुभ गया मुझे, कांटा चुभा ये कैक्टस हैं सारे। फिर इधर बोनसाई लगे हुए हैं बहुत सारे। ये देखो बोनसाई मतलब होता है वही बड़े पेड़ का एक छोटा सा रूप, जो इससे बड़े होंगे ही नहीं, इनको बना दिया गया ऐसा कि बड़े बड़े पेड़ ऐसे छोटे छोटे गमलों में आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरफ बैम्बू के अंदर में क्या रखा गया, ऐसा फ्लावर्स गिफ्ट देने के लिए। और इधर भी फूलों की प्रजाति दिखाई गई है बहुत सारी। अच्छा ये तो मुझे लग रहा है टेम्परेरी बनाया गया है, चलेगा नहीं ज़्यादा देर। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप फूल फल सब कुछ ले सकते हैं, मिल रहा है आपको यहाँ पे खरीदने के लिए, तो परचेस करके लेके जा सकते हैं। बाकी इसके पीछे देख लो, मस्त सा ये एरिया बनाया गया है, कितना बड़ा है ना। तो ऐसे बहुत कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अभी जाके साउंड बंद हुआ, लगातार म्यूज़िक चल रहा था, आवाज़ कम आ रही थी, तो देख लो कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो चारों तरफ ये पिरामिड टाइप बना हुआ है, पिरामिड के चारों तरफ फूल लगाए गए हैं, बहुत बढ़िया तैयारी की गई है, मतलब मज़ा आने वाला है आपको देख के। फैमिली के साथ आएंगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा। देखो इधर देखो इतने सारे पेड़ हैं,
पूरे में पेड़ ही पेड़ है और बहुत बड़ा गार्डन है ये। अब तक नहीं आए हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए, वैसे अगर आए हो तब भी अभी बिल्कुल रीन्यू कर दिया गया है, नए तरीके से खोला गया है, तो आके देखिए, इन्जॉय करिए इस पार्क में। और फिर कमेंट में ज़रूर लिखना भाई, यहाँ पे एक तिरंगा झंडा लगा है तो आप लिखिए जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। कट फ्लावर, फ्लावर की कटिंग की गई है, बहुत कुछ है देखने को मिलेगा, तो आ जाओ घूमने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए खुला हुआ है वैसे तो, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ये फेस्टिवल लगा हुआ है, फेस्टिवल के बाद भी आप घूम तो सकते हो पूरे में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं जो देख के मजा आया होगा। चलिए देखते रहिए ऐसे दिल्ली ब्लॉग, ऐसे ही मजेदार दिल्ली की ब्लॉग्स मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।